तो आज अल्कोहल के बनाने की विधि के पास हम लोग चल रहे हैं कि अल्कोहल को हम लोग कैसे बनाएंगे। कोई आपसे पूछे, देखो अल्कोहल का मतलब होता है कि ऐसे यौगिक लेंगे जिसके अंत में वही अचाना चाहिए। अल्कोहल की पहचान यही होती है कि उसमें वही अचाना चाहिए, तो सीधा कहेंगे कि वह अल्कोहल का यौगिक है, ठीक है ना। तो सबसे पहला विधि आपका है बाबू, जिसका नाम होगा अल्कोहल के बनाने के लिए एल्किन से। किससे? एल्किन से। देखो मैं कैसे बता रहा हूँ आपको कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, एल्किन से कैसे आप अल्कोहल को बनाएंगे। किससे बनाना है आपको? एल्किन से। सुनो, आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि एल्किन तभी होगा जब उसमें डबल बांड आना चाहिए। प्रोपीन लिख लीजिए, CH3CH है, डबल बांड CH2 है। चाहे आप एथिन लिख लीजिए, CH2 डबल बांड CH2 है। अच्छा, आप प्रोपाइन लिख लीजिए, प्रोपाइन करें ब्यूटीन लिख लीजिए, CH3CH2CH डबल बांड, मैंने एल्किन कह दिया एल्किन, तो डबल बांड होना चाहिए। आपसे पूछा जाएगा कि एथिन से एथिल अल्कोहल बनाइए, प्रोपीन से प्रोपिल अल्कोहल बनाइए, ब्यूटीन से ब्यूटिल अल्कोहल बनाइए या ब्यूटेनॉल बनाइए। कह देगा ब्यूटीन से ब्यूटेनॉल बनाइए, तो ब्यूटीन का मतलब इन कह रहा है तो इसमें डबल बांड होना चाहिए, और ब्यूटेनॉल बनाएंगे तो इसमें वह होना चाहिए। तो पहले हम आपको बता दें कि जब भी, सुनो ध्यान से, जब भी मैंने क्रिया कराई जाती है एल्किन से, तो क्रिया कराने में जो OH होता है वह एक हाइड्रोजन का हटा करके उसे जाकर क्या होता है, जुड़ जाता है, और जो बॉन्ड होता है वह टूट करके। अच्छा, एक कौन देखो इसमें होगा क्या, पहले समझो, इसमें उस कार्बन से OH जुड़ता है जहाँ पर क्या होता है। देखो जैसे पहले समझो, एल्किन है तो यहाँ पर मान लो CH3 है, CH है डबल वन CH2 है ना, है कि नहीं है। तो देखो आप इसको बनाओगे तो मैंने कई बार कहा कि ये बॉन्ड टूटेगा, इसी को कहते हैं ना इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। देखो इधर समझौता नहीं, CH3 है, CH है, एक बार प्लस आ जाएगा, आई का है CH2 है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा इसके ऊपर माइनस। दो तरीके से आपका अल्कोहल बनेगा, या करके इसमें भी जुट सकता है, लेकिन इसमें आपको जल मिलाना पड़ेगा। मान लीजिए, इतने दिमाग लगाइए, CH3CH CH, इसका नाम जानते हो ना क्या है, प्रोपीन है। इसका नाम क्या है? प्रोपीन है। प्रोपीन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें क्या जुड़ा है। अब आपको क्या बनाना है मालूम है ना, आपको जितना भी टारगेट होगा यही होगा कि इसमें OH आना चाहिए, इसमें OH आना चाहिए बनने के बाद, तो आप इसमें H2O मिला देंगे। क्या मिला देंगे? H2O। तो देखिए दो तरीके से निर्माण होगा इसका, और सुनो तो नहीं, अगर H2O है तो आप इसको OH के ऊपर माइनस लिख सकते हैं, OH के ऊपर माइनस, और H के ऊपर क्या लिख सकते हैं, प्लस, H के ऊपर क्या लिख सकते हैं, प्लस। बात समझी? तो अब क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा, देखिए CH3 है, हाई CH है। अच्छा ये क्या है, ये CH किसके, इसके ऊपर का चार्ज आएगा, प्लस का आएगा ना, और इसके ऊपर माइनस के, आ OH पर माइनस किससे जाके जुड़ेगा, प्लस के साथ। तो मन करते इसके साथ जोड़ दो OH, और फिर आपके आइए को जो H बचा इसके साथ जुड़ जो, तो CH3 आपका हो गया। तो इस प्रकार से इसका निर्माण हो गया, इस प्रकार से आपका निर्माण हो गया। समझे हो? समझ में आया? कैसे समझ में आया? मैंने कहा कि जब ये टूटेगा तो CH3 है, CH है, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और जो लेगा उसके ऊपर माइनस के चार्ज आ जाएगा। ये आपके टूटेगा OH माइनस में और OH प्लस में, तो ये चला जाएगा, जो प्लस वाला इसके साथ चला जाएगा, माइनस वाला इसके साथ चला जाएगा। अच्छा, किस नियम से बना है मालूम है आपको? मार्कोनिकाव नियम है ना, एकदम सेम टू सेम मार्कोनिकाव नियम से बना है। तो एक तरीके से ऐसे बना सकते हैं आप, तो एल्किन से जब भी कहेगा बनाने के लिए, देखिए ऐसे ही बना, ये बॉन्ड इधर कभी नहीं घूमेगा क्योंकि इधर एल्किन जुड़ा हुआ है, तो एल्किन जब जुड़ा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी एड हुआ है। तो बना सकते हैं, इसका नाम बताएंगे आप लोग, इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन टू आल, एकदम सही बोलिए लड़की, 1 2 3, तब प्रोपेन लिख लो और तब आपका क्या आ जाएगा, 2, तब आल लिख लो। अब बताओ मुझे, कोई आपसे पूछे, ध्यान से समझना, कोई आपके पूछे कि तनी आप प्रोपीन से प्रोपेनॉल बनाइए, कि प्रोपेनॉल भी होगा या 2-प्रोपेनॉल भी कर सकते हैं, प्रोपीन से प्रोपेनॉल बनाइए, चाहे 2-प्रोपेनॉल, चाहे जो भी बनाइए, बना सकते हैं ना आप लोग,
अगर ब्यूटीन का आता यहाँ पर, ब्यूटीन का आता, ब्यूटीन का क्या होता है, ब्यूटीन का आता तो इस तरीके से लिखते हैं आप। ब्यूटीन अगर का आता तो चार कार्बन कर लेते, और क्या, चार कार्बन कर लेते उसको कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके से। तो एक आइडिया कहता नहीं, ब्यूटीन से ब्यूटेनॉल बनाइए, ब्यूटीन से ब्यूटेनॉल बनाइए, क्या बनाइए, ब्यूटेनॉल बनाइए, किससे बनाइए, ब्यूटीन से बनाइए। तो क्योंकि आपका प्रॉब्लम है क्या, ब्यूटीन से ब्यूटेनॉल बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सी एच थ्री सिंगल वन सी एच है, फिर टू लिख लो सी एच है, और डबल वन क्या हो जाएगा सी एच टू, फिर इसमें क्या मिलाओगे, जल तो मिलाना पड़ेगा ना, तब ना वही अच्छा आएगा। तो चलिए जो बना लीजिए आप, सी एच थ्री बना लीजिए, सी एच टू बना लीजिए, सी एच बना लीजिए इसके साथ, वही अच्छा जाएगा, फिर सी एच थ्री आ जाएगा, बन गया आपका जो भी बनाना होगा। तो ये आप पढ़े हैं आज कि एल्किन से हम लोग क्या बनाए, एल्किन से एल्कोहल बनाए। एल्कोहल का मतलब होता है उसमें आपके पास क्या होना चाहिए। देखिए हमको लगता है कि क्या हो सकता है कि पेपर में आपका आया हो कि हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण वाला एल्कोहल बनाने के लिए आया था ना, हाँ, तो इसलिए बहुत ध्यान से आप इसको देखेंगे, ठीक है। दूसरा विधि आप चले इसको मिटा दें, एल्किन के द्वारा बनाए हैं आप लोग, कितने लोग बनाए थे, सब लोग बना लिए होंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था आपका, ठीक है, आप लोग तैयार भी किए थे। आइए देख रहे हो कितना उतना बड़ा पार्ट है, उसमें से एक क्वेश्चन चुन के दे देगा कहाँ से, इसलिए हर एक चीज़ को तैयारी करते चलो। देखो आओ, तीसरा आपका है हाइड्रोबोरानन से किसका निर्माण, हाइड्रोबोरानन के ऑक्सीकरण से एल्कोहल का निर्माण, एल्कोहल का निर्माण। अच्छा खूब पढ़ो अब, अब तो लोगों के पास टाइम के अभाव है ना, जब आपका पेपर आपका स्टार्ट हो जाए, देख ही रहे हैं जब पेपर स्टार्ट हो जाएगा, पेपर एकदम पूरा 100 में, इतना नंबर, इतना आपको चांस मिल गया है कि पूरे पेपर में आपके 100 में 100 नंबर आनी चाहिए हाइड्रोबोरानन के ऑक्सीकरण द्वारा। अच्छा जब बात होगी हाइड्रोबोरानन के ऑक्सीकरण द्वारा एल्कोहल के निर्माण की, तो आप इसको कैसे बनाएंगे। देखो पहले सुनो, जब भी बात करेगा ना हाइड्रो, तो हाइड्रो का मतलब ही होता है कि हाइड्रोकार्बन, इसमें केवल केवल कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए। पहले ट्रिक सुनो, पहले ट्रिक सुनो, जब भी बात होगी किसकी बात होगी, हाइड्रो की, तो हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन, और जब बात हाइड्रोकार्बन की होगी तो उसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए। और सुनो बोरानन, तो बोरानन का मतलब होता है डाई बोरेन, डाई, अच्छा डाई बोरेन का सूत्र होता है बी टू एच सिक्स, यानी बी एच थ्री का ट्वाइस जो है, जब दो से मल्टीप्लाई मारेंगे तो बी टू एच सिक्स आ जाएगा। आराम से सुनो, एल्किन जो हाइड्रोकार्बन लेंगे उसमें एल्किन लेंगे, तो समय आपको बताते चल रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन, जैसे सी एच थ्री है, सी एच है, डबल वन सी एच टू है, और बोरानन का मतलब होता है डाई बोरेन, बी एच थ्री के ऊपर टू, या गुणा कर देंगे तो बी टू एच सिक्स हो गया बी टू, और भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं तो एक है ना, तीन दिन अच्छा हो बी टू एच सिक्स हो गया, तो ये डाई बोरेन है। चलिए खूब ध्यान से एकदम समझते रहना है, खूब ध्यान से, ये क्या है बताओ, सब लोग बताओ, प्रोपीन है, ये क्या है, डाई बोरेन है, बोरानन कह रहे इसीलिए बोरेन हमने ले, डाई बोरानन लिखा गया तो बोरेन लिख लो इसको, ठीक है, आप 11 में होंगे तो इसको पढ़ाया गया होगा बोरान परिवार के तत्वों में कैसे बनाया जाता है। अब इसकी क्रिया कराएंगे, क्या कराएंगे, क्रिया, ये बताइए, अब ये जा करके आई बॉन्ड सिंगल में होगा ना, जब सिंगल में होगा तो ये देखो अगली बार फिर यही इसमें देगा तो ये माइनस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में, किस में हो जाएगा, प्लस में। तो देखो एच वाला जो हिस्सा होगा इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा, बी एच जो बी एच थ्री होगा वो प्लस में होगा, समझ रहे बात को, बी एच थ्री किस में होगा, प्लस में जाकर इसके साथ क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा, समझे बात को, एक कम हो जाएगा आपका इस तरीके से, देखो जा करके जुटेगा किस कैसे, देखो सी एच थ्री लिख लो, सी एच लिख लो इसके साथ जाके एच जुटेगा, और सी एच टू लिख करके इसके साथ बी एच टू लिखना। अच्छा एक पीछे भी राजवा पूछेंगे सर यहाँ तो यहाँ बी एच थ्री है तो आप बी एच टू क्यों लिख रहे हैं, सुनो एक मिनट, बोरान के कितना होता है परमाणु क्रमांक, पाँच होता है, अरे पाँच होता है यार,
तो पांच जब बुरान का होता है, बुरान का पांच होता है, तो दो कामा कितना लिखोगे? तीन। दो कामा तीन, देखो है जबान तीन, तो डायरेक्टली तीन गो के अंतिम में बाजे से बी एस थ्री का मतलब ही भाई कि ती, बुरान के तीन गो वाला आ तीन गो से का जुट जाएगा, हाइड्रोजन जुट गया, ये इस तरीके से जुट गया ना, तो एकदम सही है सूत्र। अब यहाँ पर क्या होगा, मान लो बी एस टू तो लिखना ही पड़ेगा ना, तीन तो लिख नहीं सकते क्योंकि एक बॉन्ड ऑलरेडी पहले बन चुका है। अगर यह तीन लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाए, चार हो जाएगा ना, तीन हाइड्रोजन लिखा, तीन से अधिक होता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर दो लिखा गया। चल आगे बढ़ो, ये माध्यमिक यौगिक बन रहा है, खूब ध्यान से समझते चलना है, सिंगल बॉन्ड टूटा है। अब तनिक और ही आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, और फिर इसकी क्रिया कराएंगे, किससे कराएंगे मालूम है, फिर प्रोपीन की उपस्थिति में, ये जब माने सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, फिर प्रोपीन है। अब जब क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, एकदम ध्यान से देखना है। अब होगा आपके पास क्या बनेगा मालूम है, यहाँ लिख दें, यहाँ देखो मान लो पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, अब तीसरा स्टेप में हिजा लिखा था ठीक बनो, हाई क्या बनेगा सी एस थ्री सी एस टू, अब चलो यह चीज़ के पास कर लो सी एस टू, और फिर आपका सी एस टू, और इसका ट्वाइस हो जाएगा, आप होगा ना ट्वाइस, देख लो यहाँ टू ही रखना, बस समझ लो ट्वाइस होगा, ट्वाइस इसलिए होगा क्योंकि ये भी तो एक आ रहा है इसके साथ, एक ये है एक ये है, दो हो गए हैं तो दो लिखो, अब इसके साथ जब एड होगा तब बी एच लिखेंगे। अच्छा बी एच क्यों लिखेंगे, इसके पीछे का रीजन है, देखो एक तो बी एच है, एच लेके चला जाएगा, हाँ ट्वाइस बा तो एगो हाई जुट जाएगा सी एस थ्री सी एस टू, मान एक जुट जाइए आएगा इसके साथ जुट जाएगा, तो तीन आपकी संरचना प्राप्त हो जाएगी। तो अगर ट्वाइस करोगे तो इसके साथ केवल एक ही एच रहेगा, तो दू गई बंड वाई भाई तीन इसका हो जाएगा, किसके बोरान का हो जाएगा आपका, देख लो डाइबोरेन में कितना मेहनत लग रहा है। फिर इसकी क्रिया आप किससे कराएंगे, सी एच थ्री सी एच, देखो हर एक स्टेप में पहला स्टेप को छोड़ करके जितना स्टेप है सब स्टेप में आप प्रोपीन ले रहे हैं, ठीक है ले लिए, जब प्रोपीन लेंगे तब क्रिया इसमें शुरुआत होगी, और यहाँ पर देखो अरे बी एच अब पूरा खलास हट गया, तो सी एच थ्री हटाना जरूरी भैया, सी एच टू फिर आपका सी एच टू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका थ्राइस हो जाएगा, इसका थ्राइस हो जाएगा, यह हट गया है तीन हो गया है। अब क्या होगा, हाँ केवल बी बचेगा ना, हाँ तो बी का तीन होता है तो तीन इसके साथ एड हो जाएगा, तो बी छोड़ दिए कहाँ थे लिखे ले, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एस टू ओ या ओ एच मिला देंगे, तब एस टू ओ या ओ एच मिला के जब क्रिया करेंगे तो कहानी समाप्त, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू, इसके साथ कहाँ के जुट गया ओ एच जुट गया, प्लस बी ओ एच का थ्राइस। अच्छा इसका ऐसे भी लिख सकते हैं बी एच थ्री ओ थ्री, ठीक है, या कितने लोग लिखते हैं एच थ्री बी ओ थ्री, सब बात एक ही है, इसका नाम होगा बोरिक अम्ल, इसका नाम क्या होगा बोरिक अम्ल। देखो आपको एल्कोहल बनाना था, इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल, प्रोपे। एक झलक अपने नज़रों से आप जरूर देखने का प्रयास करेंगे, आपका हेडिंग है कि हाइड्रोबोरान के ऑक्सीकरण से अल्कोहल का निर्माण, तो आपने हाइड्रोबोरान का, तो हाइड्रो का मतलब होता है केवल हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, आपने एल्किन लिया, बोरान का मतलब होता है कि इसको डाइबोरेन से क्रिया कराएंगे, तो देखो एक एक देखो यहाँ से एक एक जो देख रहे हैं ये इसके साथ बोरान आकर जुड़ जाएगा बी एच टू, और आप बी एच टू का मतलब है बी से एक बॉन्ड जुड़ गया दो गो, फिर आप प्रोपीन मिलाएंगे तो एक एच कम हो जाएगा, फिर आप प्रोपीन मिलाएंगे तो एच का खलास हो जाएगा, देखो खाली बी बचेगा, फिर इसमें आप क्या करेंगे जल या एच मिला देंगे तो आपका प्रोपेनॉल, क्योंकि एक दो तीन कार्बन ऑलरेडी है बन गया, और फिर आपके बोरिक अम्ल बाहर निकल जाएगा, और इस प्रकार से ये एल्कोहल का निर्माण हो जाता है हाइड्रो बोरान के द्वारा। आप किसका निर्माण कर दिए, प्रोपेनॉल का निर्माण कर दिए, समझे हार्ड है कुछ नहीं है, खाली आप खाली दिन भर कल पढ़िए ना, खाली दिन भर पढ़िए केमिस्ट्री, माने टारगेट बनाइए ना कि मुझे 12 घंटा पढ़ना है, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए, एक टारगेट आप बना लीजिए, टारगेट पर काम करेंगे तो जल्दी आदमी की तैयारी हो जाएगा, बिना टारगेट के काम करेंगे तो तनी अरे मर, देखिए इतिहास रच लेना है तुम लोग इतिहास। चलिए अब एक विधि आएगा एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से, अपचयन का मतलब जानते हो ना,
ऑक्सीजन का मतलब हाइड्रोजन आके ऐड होना, हाइड्रोजन आके क्या होना जुड़ना, और ऑक्सीजन का क्या होना बाहर निकलना। ये खाली हाइड्रोजन के ऐड कर दो इसमें भाई, एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीजन से मिटा दे इसको। तो जल्दी लिखो, कीटोन नहीं कहेगा, कहेगा प्रोपेनॉल से प्रोपेनॉल बनाइए, ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनॉल बनाइए। तो देखो बाबू, एल्डिहाइड का मतलब होता है, मान लो कि हमारे पास R है, CHO है, R का मतलब हुआ एल्डिहाइड, R का मतलब एल्कील, और CHO कहीं भी आ जाएगा तो आप एल्डिहाइड कहेंगे, R आपका एल्कील और CHO कह देगा तो क्या हो गया एल्डिहाइड। तो R CHO है, और आप इसमें क्या मिलाएंगे बाबू, जरा सोचना, आप इसमें मिलाएंगे हाइड्रोजन। जब बात आप चयन की करेगा, जब बात आप चयन की करेगा तो हाइड्रोजन तो ऐड होना ही चाहिए ना, ऑक्सीकरण की बात करता तो हाइड्रोजन को बाहर निकलना चाहिए या ऑक्सीजन को ऐड होना चाहिए, लेकिन जब आप चयन की बात करेगा तो इसमें हाइड्रोजन को ऐड होना चाहिए। तो ऐड हो गया, देखो कितना अच्छा, कितना अच्छा। आर वैसे ही रखोगे, एक ही एच इसके साथ लेकर चले जाओ, CH2 हो गया, अब प्लस, अब OH है तो OH बन, देखो अल्कोहल सिंपली तरीके से बन गया। बस यहाँ पर प्लेटिनम वगैरह जो होगा वो थोड़ा के रूप में यूज कर सकते। इसमें होका का कोई कह दिया तो तनी प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल से प्रोपेनॉल बनाइए, प्रोपेनॉल बनाइए, जरा सोचिए, प्रोपेनॉल नाल, नाइल नाल, नाइल नाइल, नाइल है तो एल्डिहाइड, नाल है तो एल्कोहल। एल्डिहाइड का मतलब होता है उसमें CHO पहले होना चाहिए। तो देखो इसका अगर लिखते हैं तो CHO लिख लो, चलो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, हो गया प्रोपेनॉल। इसको बनाना है तो OH लिख लो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीसरा मतलब थ्री करके देखिए आपको क्या चाहिए। देखिए भाई दो सही है, दो सही है, तीसरा का आपके साथ एगो CH2 चाहिए तो H2 मिला दो, प्लेटिनम मिला दो, हाई आके इसके साथ एड हो गया, CH2 हो गया, और OH आपका है तो OH हो गया, प्रोपेनॉल बन गया आपका। तो सीखे इसी तरह से ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनॉल करेगा तभी बन जाएगा, बस H2 से मिलाना है। यानी कीटोन आ जाइए, कीटोन, कीटोन से, कीटोन से, कीटोन की पहचान सब लोग बच्चा लोग जानते हैं, RCO मान लो R- है, इसका मतलब अलग अलग आपके हैं। अच्छा इसको कौन कीटोन कहेंगे बताओ, विषम सम्मित कीटोन कहते हैं, ए आदर्श विषम सम्मित कीटोन। अच्छा जरा सोचो, मान लो जब भी आपको बनाना है तो इसमें भी आपको हाइड्रोजन मिलाना है, इसमें भी हाइड्रोजन आपको क्या करना है मिलाना है। चलो इसके साथ डबल बॉन्ड ओ आपका लगा होगा, एकदम याद रखना है, सब लोग ध्यान से, सब लोग ध्यान से देखेंगे होगा क्या बाबू। देखो होगा ये चीज़ इसमें, आर है आपके पास, सी है आपके पास, है ना, सी, सी है आपके पास, और देखो हाई, देखो क्या होगा, ये ऑक्सीजन को ले लेगा इसके साथ, समझ रहे हो ना, ये जो ऑक्सीजन होता है इसकी विद्युत अर्धवाहकता अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और ले करके किनारे हो जाएगा, इसके ऊपर माइनस के चार्ज है तो CH इसके साथ आ जाएगा, और ये R- ऐसे ही रखेंगे और OH इसके साथ आ जाएगा आपका, बन गया, समझिए एक बार समझिए। देखिए हाई R है, हाई C है, डबल बॉन्ड O है, R के ऊपर डैश है ना। अगर इसमें पूछेगा कौन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, तो ऑक्सीजन, क्यों, इसकी विद्युत अर्धवाहकता अधिक है, क्यों, क्योंकि आपने फ़ोन का नाम तो सुना ही होगा ना, जब भी विद्युत अर्धवाहकता की बात होगी तब फ़ोन की बात आप जरूर याद रखेंगे। अच्छा हम आपको इसलिए सिखा रहे हैं बाबू कि कहाँ आप जोड़ेंगे, कहाँ कहाँ चीज़ आप जोड़ेंगे, ये जानकारी होना चाहिए ना, इसीलिए बता रहे हैं कि देखो समझो, है तो जुट गया, है तो बन गई बा, हाई इसको खींचेगा ऑक्सीजन अपने तरफ, खींच लिया तो खींचा गया तो ये बॉन्ड आपका ख़त्म, इसके ऊपर किसका चार्ज आ जाएगा, माइनस का, और इसके ऊपर होगा प्लस का चार्ज, दो गई एच है ना, वही से लाहे से योग एच यहाँ पर आ जाएगा, आयोग एच का देखो इसका कंप्लीट होना चाहिए ना, कंप्लीट होना चाहिए चार्ज का, तो योग एच यहाँ पर आ जाएगा, तो वही तो बना है वहाँ पर, देखो सीखो, इंटर के बच्चे ऐसे ही सीखते हैं, ये कोई एच के पास वो तो ऑलरेडी पहले से है, आई एच जाकर उसके साथ एड हो जाएगा, देखो एल्कोहल बन गया, लेकिन कौन एल्कोहल बना है, द्वितीयक, क्योंकि जिस OH से कार्बन जुड़ा है वह दो एल्कील से जुड़ा। अब आपसे कोई पूछ दे कि मान लो कोई कहता है कि प्रोपेनॉन से प्रोपेनॉल बताइए, प्रोपेनॉल बनाइए। अच्छा याद करो प्रोपेन के सब लोग सूत्र CH3 CO CH3 हो गया आपका, चाहे तो आपको बढ़िया से डबल बॉन्ड वो दिखा दीजिए यहाँ पर। तो देखो सब लोग आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप पूरा ब्लैकबोर्ड पर देख करके सीखने का प्रयास करेंगे। प्रोपेनॉन ये है,
अब इसमें आपको देखिए बाबू, इसके साथ एक यक्ष चाहिए तभी तो एल्कोहल बनेगा, इसके साथ एक यक्ष चाहिए तो दू गो यक्ष पंडित जी रुआ मिला दे रखवा खिसिया मत पंडित जी कहते हैं। तो चलिए एक यक्ष इसके साथ लेकर आइए, सी एस थ्री, सी ओ यक्ष, सी एस थ्री आई ओ यक्ष इसके साथ। एक नाम बोलो, कोई नहीं बोलेगा, गलत। प्रोपेन टू आल, प्रोपेन टू आल, या प्रोपेनाल टू भी कह सकते हैं, चलिए टू प्रोपेनाल भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो बना लोगे सब लोग, तो इस तरीके से बना सकते हैं आप। कार्बोक्सिलिक से भी बना सकते हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक से मिटा दे इसको, और यह सब लिखोगे तुम लोग, कार्बोक्सिलिक से आ जाओ। चलो नीचे वाला छोड़ देते हैं, कार्बोक्सिलिक से, कार्बोक्सिलिक से। अच्छा आपको याद है क्या कार्बोक्सिलिक से, कार्बोक्सिलिक से इसमें भी आपको कुछ माने मिला देता है, जल वगैरह मिला देंगे ना, कार्बोक्सिलिक आप ऑक्सीकरण कर सकते हैं या ऑक्सीजन कर सकते हैं, जो भी कहिए ऑक्सीजन से ही कहेंगे, कार्बोक्सिलिक के ऑक्सीजन से, अपचयन से, कार्बोक्सिलिक किस से, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मतलब क्या आएगा, मान लीजिए आर सी डबल ओ एच है, आर सी डबल ओ एच है, मिटा जाए नीचे वाला नोट नहीं करना, जो पढ़ रहे हैं आप लोग केमिस्ट्री, ए सुनो क्या इतना परेशान रहते हो, माने मान लो स्टूडेंट हो तो जब तक धैर्यशाली आदमी नहीं बनेगा ना, नहीं हो पाई आदमी, बैठा लोग अलग चीज़ बा, लेकिन ध्यान जब तक नहीं देगा तब तक मज़ा नहीं आता। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का पहचान आप जानते होंगे, सी डबल ओ एच होता, अगर हम इसकी संरचना बनाए, सुनो ध्यान से, अगर हम इसकी संरचना बनाए तो सी डबल बॉन्ड ओ और एक होगा ओ एच, एक आ जाएगा ओ एच, जरा सोच के बताओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, का चाहिए, का चाहिए कि आपका बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा एकदम निश्चित, ओ एच ऑलरेडी उपस्थित है, हमें का चाहिए, एच टू चाहिए कि एच टू इसके साथ आ जाए तो बस आपका काम हो। अगर यहाँ पर आप जैसे इसमें जल मिला दीजिए, या इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड उत्प्रेरक के रूप में मिलाते हैं हम, तो क्या होगा, एगो एच इसके साथ चला जाएगा ना, तो आर सी एच टू और ओ एच बन गया आपका, सिंपल सी बात आपको बता रहे थे ना, ये हटा दे यहाँ से, ये कट गया बात खत्म, और सी एच टू इसके साथ ला करके जोड़ दो तो आर सी एच टू ओ एच हो गया। आपसे पूछेगा क्या, देखिए बोले ध्यान से क्या पूछेगा, पूछेगा ये कि प्रोपे नोइक याद है ना, एसिड प्रोपेनोइक एसिड, देखो यही आपका है कार्बोक्सिलिक अम्ल के से प्रोपेनाल का निर्माण, प्रोपेनाल का निर्माण, क्या कर रहे हो, अरे उन बच्चों के बारे में सोचो जो ध्यान से पढ़ रहे हैं, आप लोग मत पढ़िए अलग चीज़, कोई पढ़ रहा है तो उसको भी तनिक ख्याल रखना चाहिए, गरिमा का कोई बच्चा जैसे वो लड़का लिख रहा है तो उसको भी ध्यान रखिए, कमज़ोर है तो आपको हेल्प करना चाहिए, अरे आप लोग इंटेलिजेंट है तो कोई बात नहीं है, कुदा कुदी कर सकते, सब मुझवानी याद हुआ तो कौन जरूरत हुआ, दिक्कत नहीं है, जो कोई पढ़ रहा है तो उसको तनिक सहयोग करना चाहिए। चलिए प्रोपेनोइक एसिड से प्रोपेनाल का निर्माण करना है, चलिए तो सी एस थ्री सी एस टू सी डबल ओ एच, बस करना क्या इसके साथ, बस सी एस टू तो करना है और क्या, सी एस टू ओ एच अलग हो जाएगा बन गया, तो इसमें आपको जल मिला देना है और लिथियम एल्युमिनियम, ठीक बन गया सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू ओ एच, नाम बोलो प्रोपेनाल प्रोपेनोइक एसिड, बात कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि गिरगिनार अभिकर्मक से एल्कोहल का निर्माण, ठीक है जल्दी से देख लेते हैं हम लोग, गिरगिनार अभिकर्मक से, गिरनियार का नाम सुने हो, हाँ बता दो मुझे वानी, हाँ सब लोग याद कर, देखो बाबू ये सब जितना जितना ही हम अधिक पढ़ाएंगे उतना ही आपकी तैयारी होती चली जाएगी, हाँ ये होता है देख लो, आर एम जी एक्स, आर आपका क्या है एल्किल है, एम जी का है मैग्नीशियम है,
और हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड गिरना। जरा सोचो हम का ले लें, आर ले लें, एम जी ले लें, एक्स ले लें। है तो आर तो ठीक बा, आर तो ठीक बा, लेकिन है कह तो ठीक नहीं के, ये पूरा हटा करके इसके जब रोजा चपकाना जरूर बहुत अनिवार्य है। जरा सोचो आर तो ठीक है, एल्किल है, ठीक है ठीक है, लेकिन आर एम जी के ठीक नहीं है, उसको हटाना बड़ा ज़रूरी है। आर एम जी को हटाना बहुत ज़रूरी है, आप इसको एम जी एक्स को हटाना ज़रूरी। तो कुछ काम करेंगे इसमें, हम लोग मिला देंगे, कुछ काम मिला देंगे, एल्डिहाइड वाला चीज़ को मिला देते हैं, आइए फार्मल डिहाइड मिला देते हैं, मिला दें फार्मल डिहाइड, क्या मिला देंगे फार्मल डिहाइड, एच सी एच ओ। अच्छा इसको डबल कर सकते हैं ना, सी एच टू ओ। तो कहानी का अगत है, देख लो खूब ध्यान से, देख लो देख लो देख लो, आर लिखो, आर मैंने लिख दिया सर, कितने एच हो रहे हैं, दो, एक सी है, तो देखो एक सी है दो एच, तो सी एच टू लिख लो, ओ लिख लो, ओ माइनस होता है ना, इसलिए इसके साथ एम जी आ जाएगा, एम जी एक्स आ गया, एम जी एक्स आ गया। सब लोग समझ गए, अब आपको कहानी ही करना है कि यहाँ से अब बन चुका है, बस इसके साथ वो एच चाहिए, बस एच चाहिए, एच चाहिए, काम खलास, क्योंकि यार एस सी एस टी ओ एच हो जाएगा, तो आप एस में एस टी ओ मिला दीजिए, क्या मिला दीजिए एस टी ओ, और कहानी आपकी बन गई। क्या हो गया कहानी, एस टी ओ एस टी ओ किसे मिला रहे हैं, हेजा नहीं, हेजा मिला लीजिए। तो क्या होगा, देखो आर होगा, सी एस टी होगा, एकदम निश्चित बात कि एच, देखो जब एच टी ओ के तुरते हैं तो एच प्लस और एच पे माइनस आता है ना, तो एच प्लस किसके साथ जाके मिलेगा, वो माइनस के साथ जाके मिल जाएगा, तो आपके इसके साथ जाके मिलेगा, तो एच बन जाएगा प्लस, प्लस देखो ओ एच आपका बचा है, ओ एच बचा है, तो प्लस आपका बन जाएगा, आई एम जी भी बचा है, तो एम जी बचेगा, ओ एच यहाँ से बचेगा, वो बचा है, एक्स बचा है, एक्स, इस तरीके से ये आपका एल्कोहल का निर्माण, इस प्रकार से एल्कोहल का निर्माण, बात समझे, इस प्रकार से एल्कोहल का कहा गया निर्माण हो गया। कल मैं आपको फिनाल के बारे में पढ़ाएंगे, लेकिन आज जो भी पढ़े आप एल्कोहल के बारे में, कोई आपके प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बात समझे।